संजू सैमसन को मिली कप्तानी। बीसीसीआई ने नियुक्त किया कप्तान। जाने किस टीम के कप्तान होंगे खिलाड़ी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने 16 सितंबर शुक्रवार के दिन अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक बड़ी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इस टीम के कप्तान संजू सैमसन रहने वाले हैं। जी हां, भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को न्यूजीलैंड ए के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में कप्तान नियुक्त किया गया है। संजू सैमसन वो खिलाड़ी हैं जिन्हें T20 विश्व कप में चुने जाने की आशंकाएं लगाई जा रही थी, लेकिन उनकी जगह पर दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत को मुख्य विकेट कीपर के रूप में चुना गया है, जिसके चलते अब बीसीसीआई ने संजू सैमसन को बड़ी जिम्मेदारी दी है। संजू सैमसन पहली बार इंडिया ए के लिए कप्तानी करते दिखाई देंगे। आपको बता दें कि इंडिया ए में ऐसे कई तमाम खिलाड़ी हैं जो T20 विश्व कप में भारतीय टीम में जगह बना सकते थे। इस सूची में तेज गेंदबाज उमरान मलिक, शार्दुल ठाकुर और फिरकी गेंदबाज कुलदीप यादव का नाम भी शामिल है। ये वो खिलाड़ी हैं जो अब न्यूजीलैंड ए के खिलाफ वनडे सीरीज में चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार संजू सैमसन को लेकर ये सवाल उठ रहे थे कि क्यों उन्हें T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया। ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक के साथ संजू सैमसन को भी T20 विश्व कप में चुने जाने की आशंकाएं लगाई गई थी, लेकिन चयनकर्ताओं ने विश्व कप जैसे बड़े इवेंट में 2 विकेट कीपर को ले जाना ही बेहतर समझा है। इससे पहले एशिया कप में भी संजू सैमसन को नहीं चुना गया था। खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया के ऊपर ध्यान दे तो पता चलता है पृथ्वी शॉ, अभिमन्यु ईश्वरन, ऋतुराज गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी, रजत पाटीदार, संजू सैमसन कप्तान, KS भरत विकेटकीपर, कुलदीप यादव, शाहबाज अहमद, राहुल चाहर, तिलक वर्मा, कुलदीप सेन, शार्दुल ठाकुर, उमरान मलिक, नवदीप सैनी और राज अंगद बाबा को जगह मिली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।